सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम जी। लब पर पाबंदी तो है, लब पर पाबंदी तो है, एहसास पे गहराव तो है। लब पर पाबंदी तो है, एहसास पे गहराव तो है। चलें कुछ न कुछ रंग चमन में निखरा तो है जी। लेकिन आई स्ट्रॉन्गली बिलीव, बल्कि दुनिया के सच बताते हैं जी, चाहे जो कुछ हो रहा हो, इन दी एंड जीत हमेशा हक की होती है। इसी बात के साथ इकबाल शाह आपसे कहेगा खुश आमदीद हमारी पूरी टीम के साथ, और मौजूद हैं आज रमज़ान का इंशाअल्लाह 13वें रोज़े की अफ्तार होगी पाकिस्तान में। आधा रमज़ान ख़त्म होने को है। एक वक्त था कि ईद की तैयारियां शुरू होने, बल्कि 14 रमज़ान, ठीक है जी, और बहुत तेज़ी से रोज़े गुजरते जा रहे हैं जी। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, एक ऐसा मीठा, अगर आपने ये नहीं बनाया तो ये समझ लें कि आपने अपनी जान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की, आपने एक ज़बरदस्त जायका मिस कर दिया। डिज़र्ट या मीठों की दुनिया में एक ज़बरदस्त आज खुबानी का मीठा बना रहे हैं। ज़रा ट्रिकी है पर बहुत मज़े का बनता है। खुबानी का मीठा बनाने के लिए खुबानी पानी के अंदर सो करके रखिए, 4 से 5 घंटे रखिएगा। उसके बाद इसके बीज आपने निकाल लेने, जिस तरह ये मौजूद है। जेली अभी हमने जमाने के लिए रखी है। ड्राइड नट्स में बादाम, पिस्ते, काजू, सब कुछ इसमें मौजूद है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है जी। जेली, खुबानी, बादाम, पिस्ते, काजू, सब कुछ, फ्रेश क्रीम, कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर ऐड करना है जी। मौजूद है गुड मिल्क, जिनका कहना है रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, और यकीनन रोज रोज गुड मिल्क जिया करो, ठीक है जी। खुबानी का मीठा, ठीक है जी, रोज़ रोज़ गुड मिल्क पिया करो। और प्रोसेस बिल्कुल जारी है, साथ ही चलते हैं अगली रेसिपी। आलू की डिश भी हमने करनी है तैयार, ठीक है जी। तो ये पोट रखा, खुबानी की मीठी का प्रोसेस शुरू करते हैं। खुबानी आपको बताएं, जिगर के लिए बहुत अच्छी है, आजमे के लिए अच्छी। एक दफ़ा वॉश कर लें, उसके बाद ये खुबानी को जो आपने सो करके रखा है, ये पानी बहुत अच्छा चाहिए आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए, आपकी स्किन के लिए, इसे यूज़ आप कर सकते हैं। पहले वॉश कर लें फिर उसे आप सोक करें, वो अच्छा है। खुबानी इस पॉट के अंदर ऐड कर लें। आप सहरी में भी 2-4 दाने खुबानी के खा लें, बहुत अच्छा फील होगा आपको। ये ड्राई एप्रिकॉट है जी, खुश खुबानी। जरा सा पानी चला भी जाए, ठीक है, बुनाई करें जी खुबानी की। खुबानी का मीठा, और हमने कोशिश की इस रमज़ान में ज़्यादा तले हुए या अफ्तारी के जो हमारे यहाँ जो रोज़ चीज़ें होती हैं वो बनाई नहीं हमने ज़्यादा तले हुए खाने। वजह ये थी कि ज़ाहिर है कि हमने जो बात की, बल्कि यहाँ या जहाँ जिस चैनल पे था, हमने ये बात की कि खजूर की बात हम मेन खाना खा लें, डिनर कर लें, ज़्यादा तले हुए खाने ना खाएँ। लेकिन कल से इंशाल्लाह चेंज करेंगे अगले कुछ दिनों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं, तो डिफरेंट सी चीज़ें उसमें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, खुबानी की कर रहे हैं भुनाई, हल्का सा इस तरफ दबा भी सकते हैं ये। वंस सॉफ्ट होगी फिर बहुत तेजी से प्रोसेस इंशाल्लाह इसका जारी रहेगा। कॉल करके अब शो गए सब बनेंगे, फरमाइश रिक्वेस्ट जो आप कहना चाहें कह सकते हैं हम।
प्रोसेस बिल्कुल जारी है और यही कहेंगे जी आप दुनिया के सभी खाने घर की किचन में बना सकते हैं। और एक चीज़ कहेंगे कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। आप जब आप ज़िंदगी का कंट्रोल हुकूमत पे देते हैं, हालात पे देते हैं, सूरत हाल पे, लोगों पे देंगे, तो इन दी एंड आप दुखी हो जाएंगे, इन दी एंड आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो अल्लाह ने आपको चीज़ें दी उसका बेस्ट यूज़ करें। ज़रा ज़रा ये खुबानी वाला पानी भी इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि लगे ना, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, उतना पानी इसमें खुश कर लेना आपने, ड्राई कर लेना, पानी जलाना ही है और खुबानी को बिल्कुल नरम कर लेना है। आलू की रेसिपी बनानी है, बेक आलू भी बना रहे हैं जी, तो आज काम है। पहले खुबानी को एज इट इज भून लेना, उसके बाद चीनी ऐड करेंगे अब, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हमने चीनी शामिल करना है। बॉइलिंग पॉइंट पर अभी खुबानी सॉफ्ट हो रही है, होने दीजिए इसे। खुबानी को आप पेस्ट बना कर रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी आई हुई मार्केट में, जो हमने किया अपने घर की किचन में, हमने स्ट्रॉबेरी ली और उसे हमने प्रिजर्व कर लिया, पीस कर आप रख लें डीप फ्रीजर में, एक साल तक स्ट्रॉबेरी ख़राब नहीं होती। तो इसका पेस्ट बना कर आप रख लीजिए, 15 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कस्टर्ड बने और इसमें ये ऐड कर लें। ठीक है जी, खुबानी को कुक करना अच्छी तरह से, चूल्हा जरा तेज रखिएगा। ठीक है जी, खुबानी की करें भुनाई, बस कोई दुआ करें जल्दी से पानी इसका ड्राई हो जाए, उसके बाद इसमें हमने चीनी ऐड करना है। इसके अंदर भी पानी की मिकदार होती है। खुबानी क्यों खानी चाहिए? दिल के लिए अच्छी, हमने बात की, जिगर के लिए अच्छी, हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करें, रमज़ान में बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको गारंटी से ही बात कहते हैं जी, जितने आप तले हुए खाने खाएंगे, जितने हैवी खाने खाएंगे, आपको रोज़ा रखने में मुश्किल पेश आएगी। जितने तले हुए अनहेल्दी खाना खाएंगे, आपको रोज़ा रखने में मुश्किल पेश आएगी। आप दुनिया के जितने भी खाने खा लें, 6 घंटे के बाद आपको भूख लगती है, ठीक है जी, 6 आवर्स के बाद आपको भूख लगती है। तो ऐसे खाने खाएं अच्छे हों। जैसे पानी खुश्क हुआ, चीनी शामिल करते हैं खुबानी की मीठे के लिए, खुबानी की भुनाई की, उसके बाद इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। और चीनी शामिल करने के बाद इसकी फिर से भुनाई कीजिए, कोशिश करें इसका दाना खत्म कर दें, ये मैश कर दें, एक तरह से कैरमलाइज होगी चीनी इसमें। खुबानी का मीठा, जो लोग समझना चाहें खुबानी के मीठे के लिए, तो आपको बताएं, 2 इसमें अहम प्रोसेस हैं। एक खुबानी की भुनाई करनी है, दूसरा कस्टर्ड करना है तैयार, जेली जमा लिए। कस्टर्ड का हम बता चुके हैं हर टीवी, हर रेडियो, हर जगह हमने बात की है। कस्टर्ड का तरीका ये कि आपने पानी उबालने के लिए रखा, दूध उबालने के लिए रखा, 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर से इसे थिक कर लें, बेसिक कस्टर्ड तैयार हो जाता है। कलर जरा देखिए इसका, जबरदस्त हो रहा माशाल्लाह।
अब ये सरफेस भी लगेगा पेंदे से, लेकिन लगने नहीं देना आपने। और ये कभी भी इसे, इसमें आपने फिंगर नहीं डाली, उंगली नहीं डाली, नहीं नहीं करनी इसमें। जरा से भी अगर आपने टच किया, ये कैरमलाइज चीनी आपके हाथ को जला देगी। ठीक है जी, चीनी मिठास है, लेकिन चीनी का जलना मेरे ख्याल से तो आग आग के जलने से ज्यादा खतरनाक होता है। चीनी का जलना, शीरा जो होता है शीरे में कभी हाथ नहीं डालना, गर्म शीरे में हाथ जल जाएगा। अब देखिए पल्प इसका बनना है, पल्प ही हो रहा है। ठीक है जनाब, खुबानी की मीठी के लिए 1 लीटर दूध में 300 ग्राम लगभग खुबानी, जिसमें चीनी शामिल की और कुक कर रहे हैं, जेली तैयार है, बादाम पिस्ते काटेंगे, कस्टर्ड बनाएंगे, आलू की रेसिपी बना रहे हैं जी, डिफरेंट है ये। ये हम शेयर करेंगे बेग पोटैटो मसाला, कम ऑयल में जबरदस्त आलू को बेक करना है कुछ ही देर में। खुबानी 4 घंटे तक रखी, उसके बाद इसके बीज निकालने, सीड्स निकालने के बाद खुबानी की भुनाई करें, फिर इसमें हम चीनी मिलाएंगे। चीनी मिलाई, ठीक है इंशाल्लाह। आज 14th रमजान, रमजान आधा रमजान गुजर चुका जी, हाफ बाकी है। बहुत से लोग रमजान से पहले कह रहे थे कि ना जाने क्या होगा, अब सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन अल्लाह ने फिर भी करम किया हमारे ऊपर। बहुत से लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है, कोरोना और कुछ नहीं है, सब ये ड्रामा है। तो आपसे कहेंगे जी ये फैक्ट है, एक हकीकत है जिसे हमें मानना होगा, पर ये करम है अल्लाह पाक का कि उतने नुकसान नहीं हुए जितने वेस्ट या यूएस में हुआ, लेकिन फिर भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए, अब देखिए इसका टेक्सचर ज़बरदस्त होता जा रहा है। घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको ये ज़रूर खिलाएं जी, बच्चों को भी खिलाएं, पावरफुल चीज़ है। एक और टिप भी है कि ब्रेकफास्ट में लोग जेली जैम रखते हैं, इसे आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं कुछ खुबानी को इस तरह से, ठीक है, नाश्ते में या सहरी में भी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही जी, खुबानी की मीठी के लिए खुबानी की बुराई कर रहे हैं। और इस वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक की जान भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस खुबानी को निकालेंगे या निकाल चुके होंगे, और फिर कस्टर्ड की करते हैं तैयारी। मुख्तसर से ब्रेक है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए शेफ 21।
वेलकम बैक टू अवर शो। खुबानी की भुनाई कर ली, अब चलते हैं कस्टर्ड की करते हैं तैयारी, टू मेक अ कस्टर्ड। इसी पॉट के अंदर 1 लीटर हमने दूध शामिल किया, गुड मिल्क का, ठीक है जी, गुड मिल्क हमने शामिल किया इसी के अंदर, 1 लीटर दूध, गुड मिल्क इसी के अंदर हमने शामिल किया और इसे बॉइलिंग पॉइंट पर लाना है, ठीक है जी, इसे बॉइलिंग पॉइंट पर लाना है। खुबानी का मीठा जिसका प्रोसेस बिल्कुल जारी है आपके सामने। इस पॉट को, ठीक है जी, इसे कॉन्टिन्यूसली हिलाना है और इसी के अंदर आपने 1 कप लगभग चीनी ऐड करनी है जी, 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी, जरा इसे बॉइलिंग पॉइंट पर लाना है और अलहदा से कस्टर्ड पाउडर को हम डिसॉल्व कर लेंगे ताकि इसका हमने थिक करने के लिए। कस्टर्ड पाउडर 1 लीटर दूध में सिर्फ 4 चम्मच ऐड करना है, ठीक है जी, सिर्फ 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। इसी के अंदर शामिल करते हैं हम पानी। अच्छा, ये मैंगो फ्लेवर में हमने लिया है, सिंपल कॉर्नफ्लोर हो उससे भी हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन अमूमन यूजली रेस्टोरेंट होटल में भी मैंगो फ्लेवर में ही कस्टर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है जी, रिजॉल्व कर लिया, बस इसे जरा से बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए उसके, तब तक हम चलते हैं आलू की जानिब। बेक पोटैटो बना रहे हैं, बेक पोटैटो मसाला, कटिंग बोर्ड को टर्न ओवर किया, जरा से सेट किया। इसी के अंदर हमने आलू काट लेने स्लाइस्ड, छिलके के साथ ही, बॉइल्ड पोटैटोज हैं, छिलके के साथ इसे हम स्लाइस काट रहे। बेकिंग ट्रे में से सेट कर लेंगे, जरा सा इसमें अप्लाई करना है ऑयल, लगभग 1 से 2 चम्मच, और इसे आपने जरा फैलाना है। उसके बाद ही हमने आलू जो काटे हैं, ये आलू स्लाइस यहाँ बिछा देने हैं आपने, कॉम्पिटिटिवली फ्राइड के बेहतर है। ठीक है जी, और इसके ऊपर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं, सिंपली इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस में हम शामिल कर रहे हैं, उसमें सॉल्ट, जरा सा नमक, चाट मसाला, और साथ ही गरम मसाला हल्का सा स्प्रिंकल करना है। कुछ वेजिटेबल भी आप इसके ऊपर ही रख लीजिए ताकि ओवन में इसका ज़रा फ्लेवर आ जाए, ठीक है, ग्रीन कोरिएंडर। चलते हैं इसे बेकिंग ट्रे को लेकर चलते हैं ओवन की जानिब।
और अच्छा अवन की जानिब चलते हैं, इसके अच्छी तरह से बैक करते हैं। याद रहे कि बॉइल थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऊपर वाला हिस्सा ऑन रखेंगे अवन का। ठीक है जी, एंड लेट्स सी हमारा कस्टर्ड कहाँ तक पहुंचा। दूध में हमने चीनी शामिल की और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। कस्टर्ड पाउडर को पानी के अंदर डिसॉल्व किया और इसे थिक कर लेते हैं। मिठास अपनी मर्जी से ऐड कर लीजिएगा। इस वक्त बहुत ज्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि कुछ देर के बाद ये थिक मजीद होता जाएगा। चीनी बैलेंस कर लीजिएगा। 1 लीटर दूध में 1 कप चीनी, परफेक्ट है। हमने ज़रा सी कम ऐड किए, पर आप 1 कप ही ऐड कीजिएगा। ठीक है जी, दूध और कस्टर्ड यहाँ कुक करने के बाद ठंडा कर लें, और ठंडा करने के बाद इसमें आपने फ्रेश क्रीम ऐड कीजिएगा, ये 1 कप फुल। ज़रा से मज़ीद मिक्स किया ताकि ज़रा एक क्रीमी कस्टर्ड हो जाए। और इसकी हम प्रेजेंटेशन करेंगे इस बाउल के अंदर। सरफेस पे जिसमें खुबानी का हलवा निकालना है मीठा, आपने खुबानी बिछा लेनी है सरफेस पे इस तरह से। उसके बाद ये मैंगो क्रीमी कस्टर्ड इस तरह से हम तो इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। टॉप पर खुबानी को जिस तरह से डाल ऐड करनी है। बटर नाइफ ले आते हैं। टॉप पर ये बादाम, पिस्ते, काजू इस तरह आपने बिछा लिए। रेड जेली जिसे हमने जमा लिया था बहुत कम ऐड करें, ज्यादा नहीं करना। ठीक है जी, इसे ठंडा कर लीजिए। इसे जबरदस्त ठंडा करने के बाद अवतार के बाद पेश कीजिए। वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड टेस्टी एज वेल। आलू हमारे बेक हो रहे हैं, तब तक हम जरा इसकी क्लीनिंग सफाई की जानिब चलते हैं। ठीक है जी, सफाई डेफिनेटली ज़रूरी है। इख्तितामी लम्हात कुछ ही देर में इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया जो लोग मौजूद हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। ठीक है जी, और बाकी रेसिपी कार्ड चल रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो आप देख सकेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमने ऐड की हैं। ज़रा सी क्लीनिंग और आलू निकाल लेते हैं। कितना टाइम है?
ठीक है जी, प्रोसेस जारी है और इसे ठंडा करने के बाद जरूर एंजॉय करें। थैंक यू एवरीवन जो लोग मौजूद होते हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, यही कहेंगे जी प्रोसेस जारी है और जरूर ट्राई करें, अच्छे खाने जरूर खाएं। जो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, जो सांसें दी हैं, डू मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड शुक्रिया जो लोग मौजूद होते हैं दुनिया भर में, और यही कहेंगे जी जब तक ये हलवा हो रहा है तैयार, कि रमज़ान का महीना यकीनन ये इबादतों का महीना, अमल करने का महीना, कहते हैं ना काम कर तो अमली कर, बातों में क्या रखा है, खिदमत कर तो कौम की कर, ज़ातों में क्या रखा है। तो बस प्रोसेस जारी है और मोहब्बतें बांटिए, प्यार बांटिए। कल रात जब मैं अवतार के बाद, जब अवतार से पहले यहाँ से जा रहा था, तो मैंने बाहर देखा कि बहुत से लोग जो अवतारी, जो यहाँ बहादराबाद तारिक रोड की जानब अवतारी जो दे रहे थे, तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा रश था। ज़ाहिर है उनको पता है कि हालात सही नहीं है, लेकिन रश होने की वजह यही है कि ज़ाहिर है गुर्बत बहुत है, परेशानियाँ बहुत हैं, और निचला तबका हमारा यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दुआ करते हैं अल्लाह से कि प्रॉब्लम हल हो और इस सूरत हाल बेहतर हो। कलर आने के बाद उसे हम निकालते हैं, और बल्कि कल टाइम इस वक्त नहीं हमारे पास इतना, तो जरा से मजीद कलर लाना चाहें तो इसमें चीज भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, बस जरा सा कलर आ जाए उसके बाद निकालते हैं। थैंक यू एवरीवन, डेली 6 से 7 लाइव रिपीट, सुबह 11 से 12 बजे तक। इस रमजान में जो चीजें हमने बनाई हैं, चाहे इस टीवी पे या किसी और टीवी पे, उन सब में सब कुछ भूल भी चुके हैं आप, और खुबानी की मीठी को नहीं भूलना, ट्राई कीजिएगा, अच्छा ही। ठीक है जी, जरा सी क्लीनिंग और देते हैं इजाजत भी। ठीक है जी, और ये खुबानी ये प्रिजर्व भी कर सकते हैं आप 15 दिन तक। हमने क्या किया, बल्कि माई यंगर ब्रदर ही इज ऑल्सो शेफ, वॉट ही डिड के उसने स्ट्रॉबेरी को पीस कर रखी, फ्रीज कीजिए, 1 साल तक स्ट्रॉबेरी खराब नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ों का इंतखाब करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। इसे भी रख लेते हैं यहाँ, और ले आते हैं हमारी आलू। ठीक है जी, से ज़रा कलर और लाइएगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है जी, ये जबरदस्त आलू, ठीक है जी, प्लेटर लेकिन हमने एज इट इज पेश किया। जरूर ट्राई कीजिए, खुश रहें, शाद आबाद रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू जी, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।